हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन एज जेड इक्वल टू 1 माइनस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई कॉस थीटा, वेयर आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1। व्हाट इज एन एंगल थीटा सच दैट जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें नंबर गिवन है जेड इक्वल टू 1 माइनस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई कॉस थीटा, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस आई कॉस थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 माइनस आई कॉस थीटा से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा, माइनस फिर आई साइन थीटा आएगा, देन माइनस आई कॉस थीटा आएगा। इसके बाद में देखिए माइनस माइनस प्लस, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस में, तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई, साइन थीटा कॉस थीटा ये ब्रैकेट में है, अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर आएगा तो यह आ जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो z की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जो कि रियल पार्ट है, तो इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस i यहाँ पे कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और होल अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एंगल थीटा फाइंड करना है सच दैट z इज अ प्योरली इमेजिनरी। तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट हम जीरो कर सकते हैं। रियल पार्ट कितना है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू जब जीरो करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जीरो में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए क्या मिल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड में तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में 2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आ गया 2। अब देखिए साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी हो सकती है, 1, लेकिन यहां पर आ गया साइन की वैल्यू 2 विच इज नॉट इम्पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो हमें थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि नो रियल वैल्यू ऑफ थीटा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।